एक चबूतरे के झगड़े में दो लोगों हुई हत्या, हत्या करने वाला भी पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। पैर में लगी हत्या करने वाले व्यक्ति के गोली, सरकारी ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है इलाज। फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में पुलिस की मौजूदगी में इलाज कराता यह व्यक्ति है सलीम, जिसको थाना शिकोहाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, जिसके पैर में गोली लगी है। इस सलीम पर आरोप है कि इसने तीन लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया था, लेकिन इस सलीम की चाकू की धार इतनी तेज थी कि उसने महिला संजीदा और अकील की जान चली गई और सिम्मी नाम की महिला घायल हो गई। अगर सलीम की बात करें तो सलीम शिकोहाबाद के बड़ा मोहल्ला का रहने वाला है और आज चबूतरे के विवाद को लेकर इसकी रिश्तेदार संजीदा और सिम्मी से झगड़ा हुआ। वहीं पड़ोस में रहने वाला अकील भी वहां मौजूद था, तो इस सलीम ने चाकू निकालकर तीनों पर प्रहार कर दिया। प्रहार इतना गहरा था कि उसमें संजीदा और अकील की मौत हो गई, वहीं सिम्मी घायल हो गई, जिसे उपचार के बाद पुलिस ने घर भेज दिया है। इस तरह दोनों की हत्या के बाद पुलिस हरकत में आई और सलीम को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी। पुलिस ने सलीम को पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने जब बदले में फायर किया तो सलीम के पैर में गोली लगी और वह गंभीर घायल हो गया, जिसे सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने दो लोगों की हत्या और एक घायल को लेकर सलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई कर रही है। आया लेडीजों को यहाँ पर हमारी बार मारी छुरी उसने। किस बात को लेकर विवाद था? कितने लोगों को मारी है? ये तीन लोगों को मारी है सर, तीन लोगों को। क्या विवाद चल रहा था? विवाद थोड़ा गेट का विवाद था यहाँ पर, ये जगह का थोड़ा सा बस, और कोई विवाद नहीं था। अब क्या घायलों की क्या स्थिति बनी है? दो लोगों की डेथ हो गई है। किन किन की डेथ हुई है? मेरे छोटे भाई की पत्नी है उनकी, और मेरा भतीजा है बड़े भाई का लड़का। क्या नाम है? मोहम्मद अकील। और घायल कौन है? घायल मेरी भतीजी है साबिर की लड़की। शिकोहाबाद में घटना घटी, क्या मामला है? शिकोहाबाद के पड़ाव मोहल्ले में रहने वाले करीब 60 वर्ष के शकील ने अपने पड़ोस में रहने वाले सब्बीर की पत्नी संजीदा और उसके पुत्री और पड़ोस में रहने वाले एक और लड़के अकील, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है, चाकू मार दिया। उसके बारे में मोहल्ले वालों ने बताया है कि कुछ परेशानी में रहता था, इस भावावेश में मार दिया है। उसको चेक किया जाएगा, संजीदा को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई है। शेष दोनों घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है, आवश्यक कार्रवाई मौके पर की जा रही है।